एवरीवन, आई जस्ट होप आप लोग एकदम बिंदास हो गए। तो ये जो मैं वीडियो लाई हूँ, इस वीडियो में हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, जो कंप्यूटर से कीबोर्ड अटैच होते हैं या फिर हम अपने टाइपिंग करने के लिए लैपी से भी कीबोर्ड को अटैच करते हैं, तो जिसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं वो क्या होता है, कीबोर्ड होते क्या है, कितने सारे बटन्स होते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है, सबसे छोटा बटन होता है, किसके क्या काम होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि कीबोर्ड पे आप काम करेंगे, कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में जानेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। कीबोर्ड पे कितने बटन्स होते हैं, जनरली 105 बटन्स होते हैं जनरली कीबोर्ड में। उसके अलावा जो अलग अलग कीबोर्ड्स में भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग कीबोर्ड आते हैं, आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ रहे हैं, उसमें बटन की संख्या ज़्यादा होती है, अलग अलग स्पेशल बटन्स दिए गए होते हैं। तो ये आपको बेसिक कीबोर्ड है, जिसमें आपको देख सकते हैं अलग अलग बटन्स बने होते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर्स भी हैं इसमें, ABCD भी है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे आपको बटन्स दिए हुए हैं। तो इस बटन के टाइप्स होते हैं, यानी कीबोर्ड में टाइप्स ऑफ कीज़ होते हैं अलग अलग। तो इस टाइप्स ऑफ कीज़ में एक होता है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की क्या होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD जो है उसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट की हो गया, जिसमें ABCD आता है। एक होता है न्यूमेरिक की, जिसमें नंबर्स होते हैं, जो 0 से लेकर आपको 9 तक दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, यानी 10 डिजिट्स होते हैं। इसी डिजिट से सारे नंबर्स बनाए जाते हैं, चाहे 1 लाख, 1 करोड़, जितना भी संख्या बनाना है उस सब बनता है किससे, इसी 10 डिजिट से बनता है ना। तो 0 से लेकर 9 तक आपको डिजिट्स हैं, जो कि 10 डिजिट्स होते हैं, ये इसी डिजिट से सारे नंबर्स बनते हैं। तो ये कहलाता है न्यूमेरिक कीज, ये नंबर वाले हैं इसलिए इसको न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। ये अल्फ़ाबेट की है। ऊपर में दिख रहा होगा फंक्शन की, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। F1 से F12 तक ये फंक्शन की कहलाता है। इसके अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, चाहे MS वर्ड में यूज़ करिए, चाहे विंडोज़ में, अलग अलग इसके शॉर्टकट्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसको कहलाता क्या, ये फंक्शन की कहलाता है, इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। उसके अलावा देख रहे होंगे आप इसमें एक सबसे लंबा की कहलाता है। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा की कीबोर्ड में कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट की कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्पेस बार। कौन सा है, स्पेस बार जो होता है वो सबसे लंबा की, लॉन्गेस्ट की के रूप में जाना जाता है। काम क्या है इसका, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस देना होता है, इससे एक बार दबाएंगे तो एक अक्षर जो है स्पेस छूटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस बार। ये आपको स्पेस बार है, अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, फंक्शन के अलावा ये सब जो है स्पेशल कीज़ में आते हैं। आपको मॉडिफायर कीज, टॉगल कीज भी इसमें कुछ होते हैं, मॉडिफायर की और टॉगल कीज। टॉगल कीज उसको बोलते हैं इसे ऑन ऑफ करते हैं, जैसे कैप्स लॉक है, बटन दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, इसी को दबाएंगे तो ऑफ भी होगा, तो ये टॉगल की कहलाता है। ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ इसी से करते हैं, टॉगल की कहलाता है। मॉडिफायर की किसको बोलते हैं, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, 3 ऐसे बटन होते हैं, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, इसको बोलते हैं मॉडिफायर की। इसी से मिला के हम शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इस तरह के शॉर्टकट्स जो बनाया जाता है वो मॉडिफायर की मदद से बनाया जाता है, यानी शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये मॉडिफायर कीज के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और भी बटन्स आपको दिख रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा विंडो की कहलाता है, ये विंडो की या स्टार्ट बटन है, इसको दबाएंगे तो स्टार्ट बटन जो होता है कंप्यूटर में आपको वो खुल जाता है, स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है। तो स्टार्ट बटन के लिए यहाँ पे बना हुआ है विंडो की, विंडो का फोटो बना हुआ है, विंडो की कहलाता है, इससे स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है, विंडो की आपका ये है। उसके अलावा आपको एस्केप की, ESC जो लिखा है एस्केप की कहलाता है, कॉर्नर में होता है, आपको स्क्रीन पे इस कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको बंद करना है तो आप एस्केप की से बंद कर सकते हैं। उसके अलावा आपको देखेंगे एरो की कहलाता है, 4 एरो है बना हुआ है यहाँ पे, अप डाउन लेफ्ट राइट, 4 एरो है, ये कहलाता है एरो कीज। उसके अलावा देखे होंगे पेज अप पेज डाउन, होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये 4 बटन यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको पेज अप पेज डाउन का मतलब क्या हो, पेज को ऊपर ले जाना, पेज को नीचे ले जाना, तो ये आपको नेविगेशन की कहलाता है, आपको नेविगेट करते हैं पेज के ऊपर नीचे ले जाना है, पेज के अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे जाना है, होम पेज पे जाना है, फर्स्ट पेज को होम पेज बोलते हैं, तो होम बटन दबाएंगे तो पहले पेज पे आ जाएंगे। लास्ट पेज पे जाना है, मान ली 1000 पन्ना है आपके कंप्यूटर में, किसी फाइल में 1000 पन्ना है, तो 1000 बार नीचे कैसे आएंगे स्क्रॉल करते करते, आप डायरेक्ट इंड पे जाना है तो इंड दबाएंगे, लास्ट पेज पे आ जाएंगे। पेज अप पेज डाउन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में ये सारे बने हुए हैं, बैक स्पेस यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे हम क्या करते हैं मिटाते हैं, एक कैरेक्टर को मिटा करके उसको मिटाते मिटाते आपको कोई कैरेक्टर आपने टाइप कर दिया गलती से, उसको मिटाना नहीं चाह रहे तो बैक स्पेस से उसको डिलीट कर सकते हैं। एक डिलीट बटन भी बना होता है अलग से, जिससे हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, या कोई फाइल है, फोल्डर है, उसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन इसके लिए बना होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें मेनू की इस तरह से बना होता है, मेनू की कहलाता है। ये राइट बटन आपको माउस में, लेफ्ट बटन राइट बटन होता है, उसी तरह हम माउस का यूज़ ना करके कीबोर्ड से भी हम यूज़ करते हैं। माउस का सारा काम हम कीबोर्ड से कर सकते हैं, माउस अगर ख़राब हो गया, नहीं काम कर रहा है, तो हम कीबोर्ड से सारा काम कर सकते हैं। शॉर्टकट्स बने होते हैं हर चीज़ के लिए, कंप्यूटर को ऑन करना है, आपको यहाँ पे ऑफ करना है, शट डाउन करना है, हर चीज़ के लिए इसमें शॉर्टकट बने होते हैं। तो माउस का राइट बटन अगर दबाना है तो कीबोर्ड की मदद से इससे कर सकते हैं। राइट बटन से क्या होता है, एक मेनू खुलता है, तो इसको मेनू की कहलाते हैं, मेनू बटन है ये, राइट बटन दबाने के लिए ये मेनू की। तो कीबोर्ड जो है एक आपको अलग अलग बटन्स बने होते हैं कीबोर्ड में। तो ये आपको बेसिक है कीबोर्ड के बारे में, आप आई होप समझ गए होंगे कीबोर्ड के बारे में, बटन्स के बारे में बेसिक क्लियर हो गया होगा।